वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलो भाई, सो लेट द गेम बिगिन। तो सबसे पहले अपन लोग ने आज स्टार्ट किया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नए चैप्टर के साथ। नए चैप्टर के साथ मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो अगर सिर्फ ऐसे ही रट्टा मारने जाओगे चैप्टर डिफिकल्ट लगेगा। बट अगर मैं जैसे बता रहा हूं, जैसे अपन लोग उसको डिराइव कर रहे हैं, एग्जाम्पल से थ्रू ले रहे हैं, वैसे करेंगे तो अपने को ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। एंड दैट इज व्हाट वी डिड। एंड अपन लोग का वही करते करते अब तीन फॉर्मूलाज हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन। अब अपन लोग आ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, राइट गाइस? अब अपन लोग आ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। आ जाइए एवरीबॉडी, कम। सो नाउ अब आ रहा है अपना रिटर्न्स तक का हो गया है। तीन रिटर्न्स अपन लोग ने देख लिए, एक जनरल रिटर्न, एक एवरेज रिटर्न, एक जनरल रिटर्न, एक एवरेज रिटर्न, एक एक्सपेक्टेड रिटर्न। बराबर है? कैन आई से तीन रिटर्न्स मैंने देख लिए, एक जनरल रिटर्न, एक एवरेज रिटर्न, एक एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपका इन्वेस्टर, आप जिसका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो, एक तो आप लोग को वो पूछने वाला है, रिटर्न्स के बारे में। रिटर्न्स के साथ आपको वो दूसरा कौन सा चीज पूछने वाला है, बोलो बोलो, चल चल, करेक्ट। कैन आई से वो अब आपको रिस्क के बारे में पूछेगा कि भाई चलो 18% रिस्क, 18% रिटर्न दे रहा है, 15% रिटर्न दे रहा है, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, गुड, अप्रिशिएट, देना ही चाहिए। बट उसका रिस्क का क्या? मालूम पड़ा रिस्क तू ले रहा है बहुत ज्यादा, और फिर जाके 18% रिटर्न दे रहा है तो भी कोई फायदा नहीं है। तो भाई मैनेज रिस्क हो, बैलेंस्ड रिस्क हो, और फिर बाद में उसके साथ अगर अच्छा रिटर्न मिले तब सही होगा ना। बट उसके लिए रिस्क कैलकुलेट करना तो आवे अपने को, रिस्क कैलकुलेट करना भी तो आना चाहिए। सो दैट एग्जैक्टली इज नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, द कैलकुलेशन ऑफ रिस्क। एंड ये कैलकुलेशन ऑफ रिस्क अब कैसे होगा, इसको भी क्यों ना एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। लेट इट happen. So यहां पे say for example, suppose return से start करता हूं मैं, say returns दिया है आपको, ठीक है? HDFC वाला आया आपके पास, HDFC वाला आपको आके बोलता है सर देखो मैं कितना return दे रहा हूं। बोला ठीक है, तू return तो अच्छा दे रहा है, 17.2 कुछ return आ रहा था उसका, चलो वही लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, यहां से अपने को उसका एक एवरेज रिटर्न पता चल रहा था, बराबर है? सो फर्स्ट ईयर में उसका कुछ 20 था, फिर 25 था, फिर जैसली ने बोला था एक सर थोड़ा फॉलिंग ट्रेंड है। बट ऐसा भी नहीं है ना जैसलीन, देखना रिटर्न अच्छा था, नहीं 20 था, फिर और अच्छा हुआ, फिर कम हुआ, फिर वापस से अच्छा हो गया, ऐसा फॉलिंग ट्रेंड भी नहीं बोल सकती तू तो। ठीक है, इसका अपन लोग ने कहीं ना कहीं एक्स बार निकाला, 17.2%। एक्स बार बोले तो समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन नंबर ऑफ इयर्स, एवरेज पास्ट के बेसिस पे, एक्सपेक्टेड फ्यूचर के बेसिस पे, समेशन एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी, मानसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स नहीं, चलो डन गाइस, डन। सो कैन आई से ये मेरा रिटर्न आ गया, ठीक है? रिटर्न क्या होता है, बेसिकली एक्स होता है, तो ये मेरे x परसेंटेज का रिटर्न है, डन। ओके सर, समझ में आ गया। अब अपने को फाइंड करना है रिस्क। देखो सुनो, ओए सुन मेरी बात, 17.2% का मेरा रिटर्न आ रहा है, अब मेरे लिए रिस्क क्या है, अगर मैंने सोचा भाई 17.2 का रिटर्न पास्ट के बेसिस पे आ रहा है, और मैंने उसको बोला हाँ यार 17.2 अच्छा रिटर्न है, मेरे को तू 17.2 रिटर्न लाके दे दे, बराबर? ये तो पास्ट डेटा पे उसने भी मुझे कमिट कर दिया, मैंने उसको बोल दिया हाँ लाके दे दे, जरूरी तो नहीं है ना ऐसा होगा। तो मेरे लिए रिस्क क्या है, आप बताइए। आप लोग सोच समझ गया था ये मेरे लिए रिस्क क्या है। तो कहना इससे सर
आपके लिए रिस्क ये है कि आपने से एक्सपेक्ट किया था, आपने आपने जो एक्सपेक्ट किया था या आपका जो एवरेज रिटर्न था उससे अगर डिविएट हो गया, उससे अगर रिटर्न डिविएट हो गया तो वो आपके लिए रिस्क है। अब अपना एक परसेप्शन कहीं ना कहीं बना हुआ है दैट अपने लिए रिस्क इज ऑलवेज अ नेगेटिव थिंग, बट इट्स नॉट दैट रिस्क। रिस्क कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, रिस्क कैन बी निगेटिव ऑल्सो। अब यहां पे देखो, अब यहां पे लॉजिकली समझने की कोशिश करो रिस्क क्या है। कैन आई से अगर मेरा रिटर्न, अगर मेरा रिटर्न एक्चुअल रिटर्न मेरे पास्ट रिटर्न आई मीन मेरे एक्सपेक्टेड रिटर्न से डिविएट हो गया, अगर मेरा एवरेज रिटर्न जो मुझे लग रहा है एवरेज रिटर्न वो मेरे रिटर्न से डिविएट हो गया, तो कैन आई से वो मेरे लिए एक रिस्क है कि भाई डिविएट हो गया तो। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, प्रिंसिपल रिकवर ना हो पाया, वेरिएशन हो गया, रिटर्न लोअर देन एक्सपेक्टेड, ऑल ऑफ दैट यस यू आर राइट इज कॉल्ड एज रिस्क। तो यहां पे अभी मैं रिस्क के बारे में लिख रहा हूं, आप लोग मुझे बताओ कि क्या मैं सही लिख रहा हूं क्या। तो कैन आई से रिस्क का मतलब हो जाएगा कि भाई आपको कितना रिटर्न आ रहा है बट आपने कितना रिटर्न एक्सपेक्ट किया था, उन दोनों का जो वेरिएशन है, उन दोनों का जो डिविएशन है वो है मेरा रिस्क। सो यहां पे अपन लिख सकते हैं एक्स जो मुझे लगा था रिटर्न, बट एक्स बार जो डिविएट हुआ है। सो एक्चुअली मुझे तो चाहिए था इतना एक्स बार जितना, बट आया कितना है, जो डिविएशन हुआ है वो अब अपने को देखना है, वो अब अपने को देखना है। सो फर्स्ट केस में 20 का रिटर्न आया, एक्सपेक्टेड था 17.2, आई एम हैप्पी कि चलो भाई चलो 2.8 का पॉजिटिव डिविएशन है। 25 का रिटर्न आया है, मैंने सोचा था 17.2, अरे वाह चलो भाई चलो 7.8 का है। फटाफट आगे का कैलकुलेट करो, चलो एक 15 का करता हूं मैं, मैंने सोचा था 15, आया है 17.2, अरे नेगेटिव 2.2 का डिविएशन है। अरे मैंने सोचा था 17.2, आया है 10, 7.2 का डिविएशन है नेगेटिव। मैंने सोचा था 16, आया है 17.2, नेगेटिव 1.2 का डिविएशन है। ए अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, अभी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है, यस एवरीबॉडी। अब मैथमेटिकली आप इसको ऐड करोगे ना तो वो जीरो ही होगा, ऐसा क्यों वो भी बताता हूं। मैथमेटिकली क्यों होगा ऐसा वो भी बताता हूं। सो मैथमेटिकली ऐसा क्यों होगा वो भी बताता हूं। हाँ, क्योंकि क्या हो रहा है भाई, आपने एक इन पांचों का आपने एक सेंटर वैल्यू ले लिया, से 20 25, आपने 15 10 16 15 10 16, ये सबका आपने एक सेंटर वैल्यू ले लिया। सेंटर वैल्यू क्या है, 17.2। अब ये सेंटर वैल्यू है, अब इतना से भी जाएगा, थोड़ा इतने से जाएगा, थोड़ा ये लेफ्ट राइट वालों से आएगा, थोड़ा राइट वालों से आएगा, घूम फिर के तो मैथमेटिकली टोटैलिटी में जीरो ही आ जाएगा ना पब्लिक, जीरो ही आ जाएगा, क्योंकि अपन लोग ने एक सेंटर वैल्यू विच इज एवरेज लिया है। अभी अंडरस्टैंडिंग, बट अपने को कोई बोले टोटल रिस्क जीरो है तो थोड़ी ना चलेगा, ये तो हमेशा ही जीरो आएगा, ये तो हमेशा ही मैथमेटिकली जीरो आएगा, ये तो हमेशा ही मैथमेटिकली जीरो आएगा ना, क्योंकि ये ऑलवेज एक्स बार जो है मेरा एवरेज रिटर्न सेंटर वैल्यू पे रहेगा, उसको मैं मेरे रिटर्न्स के साथ कंपेयर करते जाऊंगा तो ये तो जीरो ही आएगा, तो रिस्क जीरो तो हो नहीं सकता। एंड देयरफॉर स्टैटिस्टिकली उसको बेटर किया गया और बोला गया कि रिस्क को इसके लिए आज के बाद अपन लोग बोलेंगे एक्स माइनस एक्स बार, और इसको अपन लोग स्क्वायर कर देंगे। जब इसको स्क्वायर करेंगे ना तो ये जो टोटल आएगा, ये जो टोटल आएगा, ये जो टोटल आएगा ना, दिस विल नॉट बी जीरो। बट सर ये तो गलत है, ये स्क्वायर नहीं आना चाहिए, ये स्क्वायर नहीं आना चाहिए सर, ये तो अपन लोग को रिस्क एक्स माइनस एक्स बार ही है ना, स्क्वायर क्यों, ये तो डबल हो गया रिस्क। करेक्ट, तो इसको स्क्वायर को नलिफाई करने के लिए ये जो फिगर आएगा ना उसको अपन लोग रूट में डाल देंगे, इसको अपन लोग बोलो स्क्वायर को नलिफाई करना है तो मैं क्या करूं। करेक्ट, ए समझिगड़। तो अब अपन क्या करेंगे, इमीडिएटली ये रिस्क को स्क्वायर करना चालू कर देंगे, ये रिस्क को स्क्वायर करना चालू कर देंगे। तो रिस्क स्क्वायर 2.8 मल्टीप्लाई इक्वल टू 7.84,
ओके भाई, ट्वेल्थ का कॉन्सेप्ट अब समझ आ रहा है, टेंशन मत ले, ये स्टैटिस्टिक्स है, जो बहुत सारी चीजें जो बचपन में पढ़ी है ना वो ही आएगी, बट वो लॉजिकली नहीं पता थी, आज लॉजिकली आपका भाई आपको बताएगा, टेंशन मत लेना। रिस्क स्क्वायर ये आ गया 7.84। अब सुनो 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 दुनिया के लोगों, मैं क्या बता रहा हूं अभी, सुनो सुनो सुनो, सुनो 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 सुनो, नाउ 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 सुनो सुनो सुनो, तो लॉजिकली अब समझ में तो आ गया आपने को कि रिस्क क्या बोला मैं, ये जीरो हो रहा है तो जीरो तो चलेगा नहीं, तो अपन लोग उसको स्क्वायर कर देंगे, दैट्स द होल लॉजिक के इसको स्क्वायर करते थे बचपन से अपन लोग। बट स्क्वायर तो आप बोलोगे सर ये तो रिस्क गलत हो गया, एक्चुअली तो डिविएशन ही होना चाहिए, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, इसके लिए उसको रीरूट कर देते अपन लोग, रीरूट कर देते ताकि अपने को सही नंबर्स मिल जाए। अभी सुनो ध्यान से, अब मैं तुम लोग को मैथ कैलकुलेटर का ट्रिक भी सिखा रहा हूं यहाँ पे। यहां पे अपन लोग करेंगे 2.8 स्क्वायर मल्टीप्लाई इक्वल टू, और इसको डाल देंगे अपन लोग एम प्लस पे, इसको डाल देंगे अपन लोग एम प्लस पे, ठीक है, फिर बाद में आगे वापस से आएगा 7.8। तो अब अपन लोग करेंगे 2.8 मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू से वो स्क्वायर हो गया, एम प्लस से वो मेमोरी में चले गया, वापस 7.8 मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू से वो स्क्वायर हो गया, एम प्लस से वो मेमोरी में चले गया, 2.2 मल्टीप्लाई इक्वल टू एम प्लस, अरे बोलते जाओ भाई, ये 7.8 का स्क्वायर कितना है वो मेरे को बोल देना, ठीक है, 7.2 इंटू इक्वल टू 51.84 एम प्लस, 1.2 मल्टीप्लाई इक्वल टू एम प्लस। हाँ भैया मेरे को बताओ जरा ये 7.8 वाले का स्क्वायर कितना आ रहा है, 60.84। हाँ भाई, अब MRC मेमोरी रिकॉल, जितना भी मेमोरी में डाला था उसको रिकॉल करेंगे, 126.8, 126.8, इसको मैं कर दूंगा रूट, आ जाएगा 11.26, तो ये मेरा आ गया 126.8, इसको मैं रूट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा मेरा जवाब। ए समझे क्या, बट रुक जा अभी कुछ करना मत, पहले मेरे को बताओ ये समझ में आया तुम लोग ने क्या किया, मैथमेटिक ट्रिक समझ में आया, तो मैथ्स ट्रिक, पहला मैथ्स ट्रिक क्या है, मैथ्स ट्रिक यहां पे, ठीक है, नंबर जो भी आता है इनटू इक्वल टू किया तो स्क्वायर हो गया और उसको एम प्लस में डाला, ऐसे करते गए करते गए करते गए लास्ट में मेमोरी रिकॉल किया, सही है सही है, तो अच्छा है। अब सुनो अब सुनो अब सुनो, रुक 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 तासिफ, रुक जा बेटा रुक जा, सो 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 एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे कि अब तुम लोग ने क्या किया यहाँ पे, कह रहा इससे तुम लोग ने क्या किया, तुम लोग रिस्क कैलकुलेट कर रहे हो, रिस्क कैसे कैलकुलेट किया, तुम लोग बोलोगे कि सर एक्स माइनस एक्स बार किया, बट एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार जैसे ही किया वो तो जीरो आ गया, तो हमने उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करके कह रहा इसे उसका समेशन किया, बट याद रखना यहां पे भी आपको डिवाइड बाय एन तो करना पड़ेगा, डिवाइड बाय एन तो करना पड़ेगा, बराबर है, सो कितना आ जाता है, ये आपका भी रिस्क स्क्वायर आ गया, ये आपका रिस्क स्क्वायर आ गया, कितना आ गया रिस्क स्क्वायर 126.8 जो आपका यहां पे आया, डिवाइड बाय ये 126.8 तो 5,
जो मेरी चीजें उनका आया है मैं डिवाइड बाय 5 कर दूंगा, 126.8 डिवाइड बाय 5 आ जाता है 25.36। ये अभी तक रिस्क स्क्वायर ही है, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है रिस्क में, तो रिस्क स्क्वायर को रिस्क में कन्वर्ट करना है तो रिस्क स्क्वायर को रूट में डाल देंगे, 25.36 का रूट निकालेंगे एंड वी विल गेट उसका रूट एज 5.04। ए एवरीबॉडी समझ गए। अब ये रिस्क क्या डिनोट करता है आपको पता है? ये रिस्क डिनोट करता है कि मेरा जो HDFC का म्यूचुअल फंड था जिसे मुझे एवरेज रिटर्न एक्सपेक्टेड था 17.2, उस एवरेज रिटर्न में ऊपर भी जा सकता है 5.04 से, और नीचे भी जा सकता है। मैं मेरे इन्वेस्टर को प्रिपेयर रखूंगा इस चीज के लिए, तो जब वो जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर है मेरे पास आएगा, वो बोलेगा सर 17.2 आ सकता है, मैं बोलूंगा कंफर्म सर अप्रोक्सीमेटली है ना 5.04 ऊपर या नीचे जा सकता है, उतने रिस्क के लिए रेडी रहना। ए समझ गुडू एवरीबॉडी। सही है एवरीबॉडी, यस नो? अब ये कहां पे मैं यूज करूंगा, वो बताता हूं। तो से अब मेरे पास HDFC का मैनेजर आके गया और एक्सिस का मैनेजर आके गया। HDFC का मैनेजर आके बोलता है सर मैं है ना आपको 17.2% रिटर्न दूंगा। एक्सिस वाला आके बोलता है सर मैं भी आपको 17.2% का ये दूंगा, बट साथ में मैं पूछता हूं अब कि तू रिस्क कितना देगा, ये बोलता है सर 5.04। एक्सिस तू रिस्क कितना देगा, सर मैं 9.04। आप बताओ आप HDFC चूज करोगे या एक्सिस? जब वही झाग वही सफेदी तो भला कोई वो क्यों ले ये ना ले, सो ऑब्वियसली HDFC लेंगे ना अपन पब्लिक, HDFC लेंगे ना अपन। ए समझ गए। दिस इज हाउ रिस्क रिटर्न इज यूज्ड इन अ कॉम्बिनेशन, बोलो चल समझ में आया? चलो अभी इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लो, इफ नॉट वी विल मूव ऑन। डन। हाँ भाई डन। चलो वापस से अब पूरा का पूरा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुन। तो बात कुछ ऐसी हो गई थी कि ब्रेक पे जाने के पहले अपन लोग ने देखा था कि रिटर्न कितना आ रहा है, रिटर्न मेरा कितना आ रहा था वो मैंने देख लिया। सो रिटर्न मेरा 20, 25, 15, 10, 16 आ रहा था भाई। अब मैं यहां पे देख रहा हूं तो टोटल मेरा रिटर्न आ रहा है 17.2%, मतलब एवरेज रिटर्न आ रहा है मेरा बेसिकली 17.2%। अब मेरे को देखना है कि मेरा रिस्क कितना आ रहा है, तो ये देखने के लिए कि मेरा रिस्क कितना है मैं देखूंगा कि वो रिटर्न से कितना डिविएट हो रहा है, वही हुआ ना रिस्क मेरा, कि भाई मेरा एवरेज रिटर्न से
मेरा रियल रिटर्न कितना डिविएट हो रहा है। सो मैंने देखा कि यार 2.8, 7.8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ डिविएट हो रहा है, सो वो तो टोटल जीरो ही आएगा, तो टोटल रिस्क कैन नॉट बी जीरो। तो ये चीज को नेगेट करने के लिए अपन लोग उसको स्क्वायर कर देते हैं, रिस्क को स्क्वायर कर देते हैं। अब ये रिस्क को स्क्वायर किया तो ये पांचों पांचों के पांचों मेरे जो योर्स है उसका टोटल रिस्क आया है, बराबर है। बट यहां जो रिटर्न है वो एवरेज है, वो मेरा पांचों का टोटल रिटर्न नहीं है, ये एवरेज रिटर्न है। तो रिस्क भी एवरेज होना चाहिए, रिस्क भी जय कुमार एवरेज होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये जो मेरा टोटल रिस्क था उसको पहले मैंने एवरेज किया। कैसे एवरेज किया, डिवाइड बाय फाइव करके, क्योंकि मेरा रिटर्न एवरेज है तो मेरे को रिस्क भी एवरेज चाहिए। बट ये मेरा रिस्क स्क्वायर एवरेज आ गया, ये मेरा रिस्क स्क्वायर है अभी भी 25.36 मेरा एवरेज आ गया, एवरेज रिस्क स्क्वायर आ गया। बट मेरे को एवरेज रिस्क स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे तो खाली रिस्क चाहिए। इसको मैं रूट कर दूंगा तो मुझे एवरेज रिस्क मिल जाएगा, जिसको मैं मेरे एवरेज रिटर्न के साथ कंपेयर कर पाऊंगा और फिर डिसीजन ले पाऊंगा। टिंग टिंग टिंग, समझ गए एवरीबॉडी? ओके ओके, जय कुमार जानी, सौम्य सैनी, दीपांशु बांबानिया, मानसी कान्या, मीर भरत, वेरी नाइस, कीप गोइंग कीप गोइंग, जसलीन मुस्कान प्रेरणा, एक्सेलेंट। ओके कार्तिक हतंगड़ी, अरे कुठे होता रे भाऊ तू आता पर्यंत? प्रथमेश चल डन। अब इसको थोड़ा फॉर्मूला के टर्म्स में लिखते हैं ना, अब इसको थोड़ा फॉर्मूला के टर्म्स में करते हैं ना। करेक्ट मींस ओवरऑल रिस्क जीरो की वजह से आगे वाला पार्ट करना पड़ा, करेक्ट बेटा करेक्ट। तो अब आज के बाद अगर आपको कोई रिस्क कैलकुलेट करने को बोलेगा, अब मैं रिस्क का फॉर्मूला नहीं बनाऊंगा, तुम बनाओगे, अब तुम बनाओगे। आज के बाद तुम लोग को रिस्क का कोई फॉर्मूला बोलेगा या रिस्क कैलकुलेट करने को बोलेगा तो पहले तुम लोग क्या करोगे, बोलते जाओ, स्टेप बाय स्टेप बोलते जाना क्या क्या किया। इधर ही हूं कार्तिक बोल रहा है, तो आंसर्स क्यों नहीं दे रहा है भाई, पहली बार तेरा नाम देखा। आओ या स्टेप बाय स्टेप करना, पहले आप लोग ने क्या किया, पहला काम आप लोग ने क्या किया, तो अभी आप लोग रिस्क का पूरा फॉर्मूलाज डिराइव कर रहे हो, पूरा खुद से आप लोग डिराइव कर रहे हो। पहले क्या किया, x बार निकाला, ठीक है डन। फिर x बार को क्या किया, पहले रिटर्न्स निकाला x बार डन, फिर क्या किया उसको, उसको रिटर्न के साथ क्या किया x बार को, x माइनस x बार किया, बट इनोचॉल्व है, क्यों, क्योंकि जीरो आ जाएगा टोटल। तो x माइनस x बार को क्या किया, स्क्वायर किया, x माइनस x बार को क्या किया, स्क्वायर किया। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, बोलो बोलो चल चल। उसके बाद x माइनस x बार स्क्वायर किया, उसके बाद ये तो मेरा टोटल रिस्क स्क्वायर आया, मेरे को एवरेज रिस्क चाहिए, तो टोटल को एवरेज पे लाने के लिए डिवाइड बाय फाइव, रिस्क स्क्वायर को रिस्क पे लाने के लिए रूट। वाह जय वाह भाई वाह। सो x माइनस x बार किया, इसको स्क्वायर किया, इसका समेशन किया, बट अभी भी ये क्या आया है मेरा, ये आया है टोटल, इसको एवरेज किया, इसको इसको रूट में डाल के रिस्क पे लेकर आया, इसको रूट में डाल के रिस्क पे लेकर आया। समझे क्या पब्लिक? अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीजें हुई है इस चीज में। पहले आप लोग ने जो कैलकुलेट किया ना रिस्क स्क्वायर, जी हाँ, उसको कहते हैं, तो ये जो आप लोग ने कैलकुलेट किया था ना x माइनस x बार द होल स्क्वायर अपॉन n, इस चिड़िया को कहते हैं सिग्मा स्क्वायर, जिसको अपन क्या से कहेंगे, वराइंस 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 वराइंस। बट जब मैं इधर आ जाता हूं और इधर लिखता हूं रिस्क, तो सिग्मा x माइनस x बार द होल स्क्वायर अपॉन n है,
इसको मेरे को सिग्मा स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे तो सिग्मा चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस सिग्मा स्क्वायर को रूट किया, जिसको नाम दिया है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आज के बाद आप लोगों के लिए रिस्क बोले तो स्टैंडर्ड डिविएशन, रिस्क बोले तो स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा एवरीबॉडी, अच्छा एवरीबॉडी, समझे क्या? क्लियर है पब्लिक? पक्का? बट ये तो जो भी अपन लोग ने कैलकुलेट किया रिस्क, ये सारा रिस्क था पास्ट डेटा पे, क्या ना? इससे ऐसा ही कुछ अब अपन लोग रिस्क का फ्यूचर डेटा पे भी निकाल सकते हैं, क्या ना? इससे ऐसा कुछ अब अपन लोग फ्यूचर डेटा पे भी निकाल सकते हैं। तो रिस्क बेस्ड ऑन, रिस्क बेस्ड ऑन फ्यूचर डेटा। जी हाँ मालिक, रिस्क बेस्ड ऑन फ्यूचर डेटा, क्या लग रहा है क्या होगा? पहले आप लोग एक्स बार निकालते हैं। एक्स बार कैसे निकालते हैं आप? समेशन एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी से आप एक्स बार निकाल लेंगे। बट आप पहले यहां पे रिस्क स्क्वायर, रिस्क को स्क्वायर मतलब ये सिग्मा स्क्वायर, जिसको अपन बोलते हैं वेरिएंस, जिसको अपन बोलते हैं वेरिएंस, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा समेशन, बराबर है एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर का प्रोबेबिलिटी। कहना ये रिस्क का फॉर्मूला हो गया। अच्छा इसको जब अगर मैं रूट में ना डालू, सॉरी, इसको जब तक मैं रूट में नहीं डालता हूं तक ये है, फिर ये है, डन डना डन डन। अब जब ये वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन में कन्वर्ट होता है, तो ये हो जाता है सिग्मा, ये हो जाएगा मेरा रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। समझ में आया एवरीबॉडी? इसको सॉल्व करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगा, डोंट वरी। सो प्रेरणा जी देखिए इधर, x बार आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? समेशन ऑफ x इनटू प्रोबेबिलिटी, बराबर है। अब एज यूजुअल कभी भी रिस्क कैलकुलेट करना है तो रिस्क का आपका डिविएशन होगा, x माइनस x बार, वो जो डिविएशन है वो है तेरा रिस्क, बराबर है। बट x माइनस x बार तो अपने को जीरो दे देगा, x माइनस x बार तो अपने को जीरो दे देगा, तो x माइनस x बार को अपन क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बट ये फ्यूचर के ऊपर है बेस्ड, तो कहना इसे इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका समेशन जो है वो तो रिस्क स्क्वायर देगा, मुझे तो रिस्क चाहिए, रिस्क मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन, विच इज ये जो ऊपर निकाला इसका रूट, एंड दैट्स हाउ वी गेट द फॉर्मूला। स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्योंकि ये फ्यूचर का डेटा है, तो तेरे फ्यूचर का डेटा है, वहां पे डिवाइड बाय एन करते थे ना, यहां पे मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी करते हैं, ये फ्यूचर का डेटा है तो तेरे को प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे पता चलेगा ना कितना रिस्क है, रिस्क का कितना प्रोबेबिलिटी है, वो भी तो पता चलना चाहिए जैसे एवरेज का है रिटर्न का, समझे? प्रेरणा बोल रही है सर एक्स बार को ऑलरेडी अपन लोग ने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया है ना, तो प्रेरणा जी मेरा क्वेश्चन आपके लिए, एक्स बार को ऑलरेडी डिवाइड बाय फाइव किया है ना, एक्स बार को तो आपने ऑलरेडी डिवाइड बाय फाइव किया है ना, तो यहां पे आप वापस क्यों डिवाइड बाय एन कर रहे हो? क्योंकि ये आपने रिटर्न निकालने के लिए डिवाइड बाय फाइव किया था, ये अभी जो आपका रिस्क आ रहा है 126.8 टोटल रिस्क आ रहा है, इसको आपको एवरेज पे लाना है, डिवाइड बाय एन करते हो, वैसे ही यहां पे ये आपका जो रिस्क आएगा फ्यूचर डेटा का वो टोटलिटी पे आएगा, उसको आपको एवरेज पे लाना है, तो फ्यूचर को एवरेज पे लाते हैं प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके,
समझे। सो यहाँ पे डिवाइड बाय एन नहीं होगा, फ्यूचर में मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी होगा, जबकि आपको जो रिटर्न था वो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे मिला था, रिस्क भी वो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे मिल जाएगा, कंपेरेबल होगा, एंड देन यू कैन टेक योर डिसीजन, बोले तो चकास। समझे क्या? वाह बात, ये देखो गलत लिखा है। अक्षत सिंगला लिखता है वराइंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, उल्टा स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू वराइंस का स्क्वायर। सीता स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वराइंस। समझा? ये कैलकुलेट करने का दो तरीका, पास्ट फ्यूचर। कैसे कैलकुलेट करेगा? एक्स माइनस एक्स बार 0 हो जाएगा, स्क्वायर करेक्ट, पर इसका समेशन टोटल का आ जाएगा रिस्क डिवाइड बाय एन। अच्छा तो ये तो स्क्वायर आ गया, इसका रूट। ए समझू, फ्यूचर एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर पर प्रोबेबिलिटी आएगा यहां पे, पर ये तो टोटल हो गया, इसका रूट। वराइंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, करेक्ट करेक्ट अक्षत सिंह, यू आर करेक्ट। चलो डन गाइस डन। अब इससे रिलेटेड एक सम सॉल्व कर लिया, एक एग्जांपल सॉल्व कर लिया, दिमाग में सेट हो जाएगा। एक मिनट फटाफट, तुम लोगों को मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तुम लोग ट्राई करके मुझे बताओगे तब मुझे समझ जाएगा कि कितना तुम लोगों को क्लैरिटी आया है। मैं तुम्हारे को यहाँ पे खाली एक्स दे रहा हूं, मैं तुम लोग को खाली यहाँ पे एक्स दे रहा हूं, 40 17 माइनस 6, ये तुम लोग को मैं एक्स दे रहा हूं। और दूसरा चीज जो मैं तुम लोग को दे रहा हूं वो है प्रोबेबिलिटी 0.25 0.5 0.25, प्रोबेबिलिटी शुड ऑलवेज बी 1। लाइट्स कैमरा रोलिंग, एक्शन। 5 मिनट दिया है, फॉर्मूला को कोई देखने का जरूरत नहीं है, खुद से दिमाग लगा के ट्राई करके बताओ और कैलकुलेट करके बताओ। इस क्वेश्चन का मेरे को दो आंसर चाहिए, एक बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, उसके लिए आप खाली इसको यूज करेंगे, दूसरा बेस्ड ऑन फ्यूचर डेटा, इसके लिए आप इन दोनों को यूज करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, कम ऑन।
चालू चालू चालू। सो गाइस टेल मी, क्या है आप लोग का आंसर? सो पब्लिक का आंसर आया है, पास डेटा के हिसाब से रिटर्न आ रहा है 18.78। इज इट ट्रू, इज इट करेक्ट? नहीं, ये किसका है? चलो फटाफट फटाफट। सो पहला मैं स्टार्ट करता हूं। ये आज सैटरडे, आज तुम लोग का ऑफिस होता है क्या? सैटरडे को कौन जाता है यार ऑफिस? हाँ, तो एक्स 40 17 -6, ठीक है। अच्छा एक्स का टोटल कितना आ रहा है? चलो मुझे गाइड करते जाओ रे। 40 -17, सॉरी 40 + 17 - 6, 51/3। सेवनटीन सेवनटीन आ रहा है क्या? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बाय एन। बोलो बोलो चल चल। तो तुम लोग ने क्या लिखा ये 18.78 N60? अच्छा वो रिस्क है। एक्स माइनस एक्स बार करेंगे अभी अपन लोग, बट एक्स माइनस एक्स बार नहीं, अपने को तो उसका स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर कर दिया इधर ही मैंने। तो एक्स 40 - x^(51), तो बचता है 11 का स्क्वायर आता है 121, बराबर है। 17 माइनस, अरे 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 अरे, एवरेज एक्स बार लेना है। 51/3 इज इक्वल टू 17। माय बैड माय बैड माय बैड, एक्स बार 17 आ जाता है सर। ओके 40 - 17, बोलो क्या आएगा? 23 का डबल 529। सही जा रहा हूं? 17 - 17 0। x - x^(23) 23 तो आएगा 529 वापस। टोटल कितना होता है ये? 1058 आ रहा है। चलो अब इसको 1058 को एवरेज बनाओ। तो 1058/3 कितना आता है? 352.67। तुम लोग आंसर्स क्यों नहीं दे रहे हो मेरे को यार? नहीं सही, ये तो स्क्वायर हुआ। अब इसका रूट, एटीन पॉइंट सेवन एट। क्या सही जा रहा हूं मैं पब्लिक? एकदम सही सर, एकदम सही। तो क्या आप लोगों को ये कैलकुलेट करना आ गया? आ गया आ गया आ गया, शाबाश। अब आते हैं सेकेंड पार्ट के इसके ऊपर, ये सबसे क्रूशियल है। अगेन एक्स पहले लिख देंगे, 40 17 - 6, फिर एक्स माइनस एक्स बार कर देंगे। अच्छा ये अभी आ रहा है 51, 51/3 एक्स बार आ जाएगा 17, एक्स बार आ जाएगा 17। सही है सही है, आगे बढ़ेंगे। एक्स माइनस एक्स बार और उसका स्क्वायर सर अपन निकाल चुके हैं, 529/0 529, ठीक है सीधा लिख देंगे। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है पब्लिक, एंड दैट इज मल्टीप्लाइंग इट बाय प्रोबेबिलिटी। ये गेम है यहां पे। सो याद रखना, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर निकालोगे, फिर उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे। सो प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, और फिर ये जो समेशन आएगा ना,
इस समेशन को उठाओगे, बराबर ना। चलो सो x माइनस एक्स बार इंटू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कितना है फर्स्ट वाले का 0.25 आई गेस, करेक्ट। सो इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे 0.25, 0.5, 0.25, ठीक है। चलो सो चलो सो अब यहां से यहां पे जाएंगे अपन, सो 529 इंटू 0.25, बोलो बोलो चल चल कम ऑन 132.25, यस दूसरा वाला जीरो, तीसरा वाला वापस 132.25, टोटल 246.5। इसका अभी क्या करेंगे, रूट करेंगे, सॉरी सॉरी माय बैड, ये मैंने सीधा इधर 17 ले लिया, ये क्या आता है ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहां पे मैं कैलकुलेट कर लूं एक्स बार नीचे नीचू, मैंने डायरेक्टली पुराना वाला ले लिया बट कोइंसिडेंटली मैच हो जाएगा शायद ना, 40 × 0.25 प्लस, चलो पहले इधर फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी का समेशन 40 × 2.25 प्लस, देखो बच्चे कितने होशियार हो गए, 17 × 5 प्लस माइनस 6 × 0.25, फटाफट एम प्लस ले लेंगे अपन, 40 × 0.25 एम प्लस 17 × 0.5 एम प्लस 6 × 0.25 माइनस एम आर सी आ गया है 17। थैंकफुली हर्ष मेरा x माइनस एक्स बार में वो मिस्टेक नहीं हुआ, 40 − 17² क्योंकि लास्ट वाले का 7 था अपना। चलो बट कॉन्सेप्चुअली मैंने रॉन्ग कर दिया था, अभी कॉन्सेप्चुअली राइट किया, ठीक है। चलो अब आप 246.5 आ चुका है, अब अपना मेन आंसर के लिए आने के लिए तैयार है अपन। सो वराइन स्क्वेयर इज इक्वल टू 246.5, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ 246.5 इक्वल टू 15.70, 264। अरे यार कोई चाय पिला दो यार, कोई तुम लोग को कभी शर्म नहीं आया ऐसा कि सर का सुबह का लेक्चर होता है, सर के लिए कभी हम स्विगी जोमैटो कर दे एक चाय, कभी ऐसा नहीं लगा तुम्हारे को? फिर देखो ऐसा 46 का 64 धैसर पैसर हो रहा है, तुम लोग की गलती की वजह से, इतना भी ध्यान नहीं रख सकते अपने सर का क्या यार, एक 5 रुपए की चाय मांगी तुमसे खाली, देखो क्या क्या गलती हो रही है। हाँ 16.26 हाँ, चलो समझ गड़ू, पर नहीं गलती करवाओगे बट भेजेंगे नहीं, चाय नहीं भेजेंगे, पता नहीं ऐसा पैसा कहां लेके जाना है इनको। हाँ नहीं तो चलो गाइस, अब टेक्स्ट बुक का सम सॉल्व करने के लिए अपन लोग तैयार हो गए हैं, कह रहा है इससे अपने 5 फॉर्मूलाज हो गए, 5 फॉर्मूलाज कौन से 5 फॉर्मूलाज हो गए बोलो, एक ही पेज पे पांचों 5 फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले रिटर्न का फॉर्मूला, एवरीबॉडी सबसे पहले रिटर्न का फॉर्मूला, जनरल रिटर्न का फॉर्मूला क्या है सर, P1 − P0 प्लस डिविडेंड अदर इनकम जो भी है वो सब मिला के डिवाइड बाय P0, यस सर,
इसको अपन लोग डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में सर। क्या क्या दो पार्ट में सर? एक है पास्ट डेटा, दूसरा है फ्यूचर डेटा, राइट? पास्ट डेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स बाय एन। मानसी बोल रही है ड्रिंक वाटर इंस्टेंट, तुमसे यही उम्मीद है, तुमसे यही उम्मीद है, तुम फ्री का ही मेरे से करवाओ बस। बहुत अच्छे मानसी, पहुंच गया तेरा, क्या बोलू मैं अभी। यहां पे x बार इज इक्वल टू समेशन प्रोबेबिलिटी इनटू एक्स। बराबर है, बराबर है, बराबर। कैन आई से इसको अपन लोग बोलेंगे एवरेज रिटर्न, इसको अपन लोग बोलेंगे एवरेज रिटर्न, इसको अपन लोग बोलेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसको अपन लोग बोलेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न। ए समझ गए। चलो फिर इसको अपन लोग ने फर्दर सब डिवाइड किया किसमें? रिटर्न को फर्दर सब डिवाइड किया रिस्क में। जी हाँ, इस रिस्क को फर्दर सब डिवाइड करेंगे अपन लोग पास्ट और फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर। चलो पहले मेरे को वरायंस बताओ क्या होता है। वरायंस इज सिग्मा स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन। फिर होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, ये होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार द स्क्वायर अपॉन एन का टोटल रूट, का टोटल रूट। ठीक है, अब फ्यूचर, फ्यूचर वरायंस एक्स, सॉरी प्रोबेबिलिटी पहले। सो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड डिविएशन समेशन प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर बट इसका रूट। छोड़ो तुम लोग, क्या भी बोलो, क्या ये पांचों पांच फॉर्मूला आप लोग को दिमाग में है क्या? तुम लोग ने, मैंने जो फ्लो से लिखा वो फ्लो से तुम लोग भी लिख पाओगे एवरीबॉडी? अरे बोलो बोलो, चल चल, डन 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 डन। चलो इसी के बाद अब आते हैं अपन अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर वन के ऊपर। एवरीबॉडी चलो अब प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करेंगे तो और अपना बोलते हैं ना दिमाग शार्प हो जाएगा और क्लैरिटी आएगा। ऑन दैट नोट एवरीबॉडी प्लीज ओपन क्वेश्चन नंबर वन ऑफ योर बुक लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स। जी हाँ, ये रहा पहला क्वेश्चन। स्टार्ट फोकस। गिवन बिलो आर द लाइकली रिटर्न्स इन केस ऑफ शेयर्स ऑफ सन लिमिटेड एंड मून लिमिटेड इन द वेरियस इकोनॉमिक कंडीशंस। क्या कंडीशंस है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या क्या है? हाई ग्रोथ, लो ग्रोथ, स्टैग्नेशन, रिसेशन, चार इकोनॉमिक कंडीशंस है। प्रोबेबिलिटी दिया है, प्रोबेबिलिटी दिया है मतलब कहना है इसे फ्यूचर वाला गेम है। रिटर्न का परसेंटेज दिया है। Calculate the expected return and standard deviation of Sun Limited and Moon Limited. If you could invest in either Sun or Moon, but not in both, which stock would you prefer? क्या लगता है? दो पांच मिनट try करोगे everybody? चलो दो मिनट देता हूं, try करो फिर मैं start करता हूं। Come on everybody.
चलो लेट्स स्टार्ट। ओके ओके ओके, आई थिंक क्वेश्चन में एरर दिख रहा है मेरे को। अरे वो तो तुम लोगों को नीचे सोल्यूशन से दिख जाएगा। ले लो ले लो, चलो मैं इधर दे देता हूँ, इसको ठीक कर देता हूँ। फिफ्टीन थर्टी नाइन सिक्स, ये तुम लोग के उसमें शायद बराबर है, मेरे इसमें इनकरेक्ट है। टेन इलेवन ट्वेल्व फोर्टीन, चलो लेट्स स्टार्ट। जसलीन थोड़ा ध्यान से देख, रिटर्न थोड़ा ध्यान से देख। फिफ्टीन थर्टीन नाइन सिक्स, मून का टेन इलेवन ट्वेल्व फोर्टीन, ध्यान किधर है तेरा? चलो एवरीबॉडी लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले अपने को यहां पे कैलकुलेट करना होता है एक्स दिया हुआ है। ये देखो ये क्या है, ये रिटर्न जो है ये एक्स है, ये रिटर्न जो है आपको क्या देता है एक्स, ये रिटर्न जो है आपको एक्स देता है, राइट। ये चैप्टर आपको एक्स की बहुत याद दिलाएगा, बहुत हर जगह पे आपको एक्स ही एक्स दिखेगा, एक्स ही एक्स दिखेगा, रिटर्न उसकी बात कर रहा हूं। सो एक्स ही एक्स दिखेगा। अब आपको एक्स से निकालना क्या है, एक्स बार। एक्स से आपको निकालना क्या है, एक्स बार। क्या है वो, समेशन एक्स, समेशन प्रोबेबिलिटी इन टू एक्स माइनस एक्स बार। कच्चा है, कच्चा है। चार यहां पे मेरे पास इकोनॉमिक कंडीशंस है, चार मेरे पास इकोनॉमिक कंडीशंस है, प्रोबेबिलिटी है, रिटर्न्स है, तो पहले अपन लोग क्या करें, सन लिमिटेड का बना लें कि सन और मून का साथ में बनाए, अपने ऊपर है, जैसा अपने को चाहिए अपन कर सकते हैं। सो ये देखो इधर सुनो, दो मिनट एक बार देखना इधर। अब मेरे पास हाई ग्रोथ लो ग्रोथ, हाई ग्रोथ है लो ग्रोथ है, स्टैग्नेशन है और रिसेशन, ये चार है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी है 0.3 0.4 0.2 0.1, एक्स है रिटर्न, ये अपने को दिया हुआ है कितना 15 13 9 6, कहना इसे ये करके अपने को क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न करके अपने को क्या मिल जाएगा एवरीबॉडी, करेक्ट एक्स बार। जगह कम है थोड़ा बट ठीक है, हो जाएगा। फिर इधर एक्स माइनस एक्स बार कर लेंगे और फिर इधर प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स माइनस एक्स बार कर लेंगे। चलो इधर अपना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना एक्स बार, प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स जो रिटर्न है अपना 4.5, 5.2, 1.8, 0.6, डन ओके। फिर है x माइनस एक्स बार,
फिर है मेरा x माइनस एक्स बार। चलो अभी x माइनस एक्स बार करोगे पहले x बार कैलकुलेट कर लेते हैं। चल 4.5 प्लस 5.2 1.8 0.6 12.1 एक्स बार इज इक्वल टू 12.1। अब एक्स माइनस एक्स बार, एक्स बार अभी मेरा 12.1 आया है, सो 15 माइनस 12.1 बोलो कितना आता है, और उसका स्क्वायर। फिफ्टीन माइनस 12.1 का स्क्वायर 8.41 एम प्लस में डाल दो, देन थर्टीन माइनस 12.1 का स्क्वायर। ध्यान रखना इसमें देखो नंबर्स का पूरा गेम है, ऊपर नीचे हो सकता है, यू हैव टू टेक वेरी हाई केयर। 0.81 एम प्लस, नाइन माइनस 12.1 एम प्लस, सिक्स माइनस 12.1 एम प्लस। चलो डन। अब यह आ जाता है आपका फाइनली प्रोबेबिलिटी x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। डन। बोलो कितना आ रहा है टोटल प्रोबेबिलिटी x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर का टोटल फाइंड करना है भाई। सो 8.41 इंटू 0.3 एम प्लस 2.52 3 0.81 into 0.4 m plus 0.324 9.61 into 0.2 m plus 37.21 into 0.1 3.721। अब वराइंस कितना आता है, लेट्स सी। बोलो 2.523 प्लस 0.324 प्लस 1.922 प्लस 3.721 8.49 गाइस, क्या बात है, पब्लिक का ऑलरेडी आ गया है। इसी का रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। टू पॉइंट नाइन वन। कच्चा एवरीबॉडी कच्चा।
सही है। चलो अब सेम वे में ये अपन लोग ने सन का निकाला, ये पूरा का पूरा अपन लोग ने सन का निकाला। सन लिमिटेड डन। अब आते हैं मून के ऊपर। मेरा एक्स माइनस एक्स बार का टोटल जीरो नहीं आया। कॉन्ग्रेचुलेशन जसलीन, तो तेरा आंसर रॉन्ग है। तूने माइनस और वो नहीं किया होगा बराबर। ये देखिए इधर माइनस आएगा। अब मैंने तो टोटल पूरा स्क्वायर कर लिया है, इसके लिए मेरे में वो नहीं दिखेगा। चलो मून पब्लिक का हो चुका है, जिसका नहीं हुआ है डेफिनेटली क्या मिलेगा आपको, वो होमवर्क मिलेगा। बट इसके साथ रुको 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 रुक जा। सो अभी देखो इसके साथ एक कंक्लूजन देना है। अब मून लिमिटेड का डेफिनेटली आप लोग उसको होमवर्क के तरह ट्राई करने वाले हो, वो तो फॉर श्योर है। बट खाली तुम लोग को एक आइडिया दे दू के सन है मून है, मेरे पास सन का रिटर्न भी आ गया है, रिस्क भी आ गया है। सन का रिटर्न मेरा आ रहा है सन का मेरा एवरेज रिटर्न आ रहा है 12.1, रिटर्न आ रहा है 12.1 और रिस्क आ रहा है 2.91। जब आप लोग मून का करोगे, करना प्लीज, तब आप लोग का आंसर आएगा मून का 11.2 एंड 1.17। तो अब अपने को डिसाइड करना होता है कि कौन सा बेटर है। तो जिसको रिटर्न ज्यादा चाहिए वो सन लेगा, जिसको रिस्क कम चाहिए वो मून लेगा, ये इवैल्यूएशन का। समझे क्या? चलो डन गाइस। सो अब सुनो, दो क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क मिल रहा है। एक तो क्वेश्चन वन का मून लिमिटेड वाला पार्ट एंड क्वेश्चन टू पूरा का पूरा इज योर होमवर्क। क्वेश्चन टू आप लोग, हाँ क्वेश्चन टू है वो आप लोग के लिए पूरा का पूरा होमवर्क आ जाएगा। प्लीज एवरीबॉडी राइट इट डाउन। कम ऑन, क्वेश्चन टू इज योर होमवर्क। ये रहा सेम, देखो रिटर्न का परसेंटेज दिया हुआ है आप लोग को। क्वेश्चन टू देखो अभी एक बार, रिटर्न का परसेंटेज दिया हुआ है 6%, 7%, 8%, 9%, 10%। प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, कंपनी भी है, रिटर्न का परसेंटेज दिया हुआ है 4, 6, 8, 10, 12। प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, आप लोग को सॉल्व करके आना है क्वेश्चन नंबर टू एज अ होमवर्क। ओके गाइस डन। यस पिंकल, कल का लेक्चर अपलोड हो गया है। ठीक है, ओके, टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो। सो नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, बेस अपना सेट हो चुका है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे अपन लोग फॉर्मूलास डिराइव करने वाले हैं। बस अब इस बेस के ऊपर बिल्डअप करते जाएंगे, बिल्डअप करते जाएंगे। टेक केयर, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो, हास्ता ला विस्ता।